हे मेरे भाइयों, मैं एक बार फिर राजेंद्र किले हैंडीक्राफ्ट से आपको ये आज एल्युमिनियम का कुकर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाएँ कि इसके अंदर जब आप खाना बनाते हैं तो जो प्रेशर बनता है इसके अंदर, उसकी वजह से आपको कोई भी इसके फ़ायदेमंद तत्व नहीं मिलते हैं जो भोजन से मिलने चाहिए। मात्र 13% मिलते हैं। ये किसी की बुराई नहीं है, सिर्फ अपने इस दुनिया को समझाने और उसको सही तरीके को अपनाने का एक पहल है जो राजीव भाई जी ने भी कुछ समय पहले उठाया था और उनकी बातें बहुत दूर दूर तक है। ये मिट्टी का कुकर जो आप बनाएंगे तो इसके अंदर प्रेशर जो होता है वो नहीं बनेगा। देखिए, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि इसके अंदर जो एक छोटा सा छेद है ऊपर की तरफ से, इसमें से जो फालतू का प्रेशर होता है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, वो यहाँ से बाहर हो जाता है और ये नीचे से इतना लोक भी नहीं होता कि इसके अंदर आपका हवा पानी ना जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कीजिए। और सिर्फ यही नहीं, किसी भी एल्युमिनियम के बर्तन या स्टील के बर्तन को कम से कम उपयोग कीजिए, ना करें तो अच्छा होगा। धन्यवाद, आपका दोस्त, शुक्रिया।